आपका विषय है शारीरिक शिक्षा और पाठ है संतुलित आहार। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ये सर्वविदित है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें अच्छे आहार की आवश्यकता होती है। अच्छा आहार यानी कि ऐसा भोजन जिससे हमें संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ हो, यानी ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व संपूर्ण मात्रा में उपस्थित हो, उस आहार को हम संतुलित आहार की श्रेणी में लेते हैं। ऐसे आहार जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करें, उस आहार को या उस भोजन को हम संतुलित आहार कह सकते हैं। बच्चों, सबको पता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा तन। आप जैसा आहार खाएंगे, जैसा भोजन करेंगे, उसी प्रकार से आपका शरीर बनता चला जाएगा। आप सात्विक भोजन करेंगे, संतुलित भोजन करेंगे, तो आपका शरीर, मन, सब आपका स्थिर रहेगा और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। संतुलित आहार में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? संतुलित आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, खनिज लवण, जल इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। किसी भी भोजन में अगर ये सब उपयुक्त मात्रा में है तो वो भोजन सात्विक और संतुलित भोजन कहलाता है। अतः निष्कर्ष ये निकलता है, हम कह सकते हैं कि ऐसा आहार या ऐसा भोजन जिसमें संपूर्ण मात्रा में सभी पोषक तत्व उपलब्ध हों, तो उस भोजन को हम संतुलित भोजन कह सकते हैं। आप इसे परिभाषित भी कर सकते हैं, ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हों, उस आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, ये संतुलित आहार किसे कहते हैं, क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हमने आपको बताया। आगे का वर्णन अगले पेज में।